हाँ आ गया तू। हाँ आ गया, पिछले आधे घंटे से फोन कर रहा हूँ तेरे को यार। वो वॉलीबॉल खेल रहा था नीचे तो फोन साइड में पड़ा था। चला जा फिर, नीचे चले हम। तो जब नीचे ही जाना था तो ऊपर क्यों बुलाया मुझे? मजे लेने के लिए। वेरी फनी। ये तेरे चश्मे को क्या हो रखा है? टूट गया क्या? यार वो वॉलीबॉल खेलते खेलते टूट गया। वो कैसे? वो मैं सर्विस करवा रहा था तो मेरे से बॉल मिस टाइम हो गई, ठीक है, और बॉल सीधा आके मुंह पे लगी। बेइज्जती हुई वो अलग, सारे हंस रहे थे यार। बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बन रहा है तू है? शुक्र है मुंह बच गया तेरा। खाली फ्रेम फ्रेम टूटा है तो सोच रहा हूं अब नया ही ले लेता हूं। लेंस बच गया बाकी। इतने ही पैसे आ रहे तो ला लेंच भी तोड़ देता हूँ मैं तेरा। चल बे, जुगाड़ कर लूंगा, रहने दे। वही मैं सोचूं कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक टिम हॉर्टन्स की कॉफी को तो तू पूरा दिन चलाता है, चार चार बारी गर्म करता है दिन में। यार मैं सोच रहा हूँ यार ना, बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपका। तुझे पता भी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हाँ, बापू के पैसे। वाह शाबाश अंकल जी, देख रहे हो आप अपने बेटे के लक्षण? देख रहे हो ये डुबाएगा बिजनेस, पक्की बात है। देख अभी पापा से पैसे मांगता हूँ मैं, रुक अभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हेलो पापा, कैसे हो? अरे बेटा, बड़े दिनों बाद याद किया तुमने। लगता है पैसे खत्म हो गए होंगे। बताओ कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे को? काम की बात पहले कर लेते हैं, और चाहो तो बाद में पूछ लेना तुम। पापा मैं सोच रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या बात है बेटा, सुन के अच्छा लगा। बिजनेस टाइकून बनोगे तुम। जी पापा, थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे बेटा, ये शर्मा जी का लड़का भी तो कनाडा में है ना, क्या कर रहा है वो? अरे अरे, ये शर्मा जी के बेटे ने ना कनाडा में पीछा नहीं छोड़ा है। क्या बोले बेटा? कुछ नहीं कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं कुछ नहीं, थोड़ी देर में बात करता हूँ। वैसे बिजनेस आइडिया क्या है तेरा? हाँ मस्त आइडिया है यार, सोचा यहीं फास्ट, यहीं नुक्कड़ में ना फास्ट फूड की रेडी लगाते हैं, मस्त। अच्छा क्या मस्त आइडिया भाई, बट मान गए। नाम नाम सोचा है तूने बिजनेस का? क्या नाम रखेगा? ये बिजनेस नहीं है वैसे, चल मान लेते हैं बिजनेस है। क्या नाम सोचा तूने नाम? हाँ नाम भी सोचा मैंने, इंट्रोड्यूसिंग द स्पाइसी द लेमन ट्विस्ट, फर्स्ट टाइम एवर इंडियन स्नैक्स इन टोरंटो। कैसा लगा? ये नाम है? हाँ अबे नाम है या पैराग्राफ? तू रहने दे भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया क्वारंटीन में। तू जॉब कर अपनी बैठ के। भाई रुको, तो वीडियो कैसी लगी ये बताओ यार। पिछली वीडियो में भूल गया था बोलना कि सब्सक्राइब करो, तो किसी ने करा ही नहीं। और दो सब्सक्राइबर्स तो ऐसे हैं जिन्हें बहुत प्यार आ रहा था, बाय गॉड, बेचारों ने दो बारी लाइक, बेचारों ने दो बारी सब्सक्राइब कर दिया, तो अनसब्सक्राइब हो गए दो मेरे। तो जरा दोबारा सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से 300 पहुंचाते हैं अपने को, अपने चैनल को। तो चैनल का नाम भी बदल दिया हमने, अपना नाम रख दिया युवराज तनेजा। व्लॉग्स हटाना पड़ा क्योंकि व्लॉग्स कुछ हो ही नहीं है लाइफ में, व्लॉग्स कुछ हो नहीं रहे हैं लाइफ में, इंटरेस्टिंग है नहीं लाइफ, है ना, रोज का वही काम है, सैटरडे संडे वीकेंड होता है बस, और ज़्यादा कुछ बनाने को मिल नहीं रहा है। तो हमने सोचा कुछ ऐसा बनाना स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्टिंग में थोड़ा टाइम लग गया वरना वीडियो पहले आ जाती बहुत, और मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो लैपटॉप क्रैश हो गया, स्क्रिप्ट सारी उड़ गई, दोबारा लिखनी पड़ी, तो एक दो डायलॉग्स चेंज भी हो गए। तो बताओ फिर वीडियो कैसी लगी, और दूसरी वीडियो की तैयारी में जा रहा हूँ मैं। और आप सबको क्वारंटीन में कैसे कैसे बिजनेस आइडियाज़ आए, जो कि बस एक आइडिया ही थे, कभी कुछ हुआ ही नहीं उन पर, कमेंट में बताओ, बात करते हैं।